हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आइकू ने अपना एक नया स्मार्टफोन आइकू Z3 को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। ये एक 5G स्मार्टफोन है। ये स्मार्टफोन अपने साथ काफ़ी अच्छे फीचर्स लेके आता है। चलिए बात करते हैं इसके हाइलाइट्स की। दोस्तों, इस फ़ोन में लगी है 6.58 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले, जिसकी रिफ्रेश रेट है 120Hz। इस फ़ोन में इनबॉक्स आपको एंड्रॉयड 11 मिलेगा। इस फ़ोन में लगा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 768G प्रोसेसर, जो कि एक 7nm बेस्ड प्रोसेसर है। ये फ़ोन इंडिया का फर्स्ट फ़ोन है जिसमें स्नैपड्रैगन 768G प्रोसेसर लगा हुआ है। ये फ़ोन आता है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ। जो मेन कैमरा है वो 64MP का सैमसंग GW3 सेंसर है। जो सेकेंड कैमरा है वो 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। और जो थर्ड कैमरा है वो 2MP का मैक्रो लेंस कैमरा है। इस फ़ोन में लगा है 16MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा। ये फ़ोन अपने साथ लेके आता है 4400mAh की बैटरी, जो कि 55W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ये फ़ोन 19 मिनट में 50% चार्ज हो जाता है। आईकू Z3 तीन अलग अलग स्टोरेज वेरियंट के साथ आता है। 6GB रैम, 128GB स्टोरेज, जिसकी प्राइस है 19,990 रुपये। सेकेंड है 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, जिसकी प्राइस है 20,990 रुपये। जो थर्ड वेरिएंट है वो है 8GB रैम, 256GB स्टोरेज, जिसकी प्राइस है 22,990 रुपये। दोस्तों, आपको इस फ़ोन में 3GB तक रैम एक्सटेंड करने का ऑप्शन मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास अगर 8GB रैम वाला वेरियंट है तो आप उसकी रैम को 11GB तक एक्सटेंड कर सकते हो। दोस्तों, प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग आईकू ने बहुत ही बेहतरीन फ़ोन लॉन्च किया है। 20,000 की प्राइस रेंज पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं। चलिए दोस्तों, फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।